है, गंगा सागर हुआ है, वैष्णो देवी हुआ है, मैयर की शारदा हुआ है, मेहंदीपुर बालाजी हुआ है, मथुरा वृंदावन अयोध्या चित्रकूट क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी अध्यात्म नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आयोजित हो रहा है विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, और इस महाकुंभ में दूर दूर से अलग अलग प्रकार के सन्यासियों के दर्शन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक ऐसे अद्भुत सन्यासी हरिद्वार कुंभ करने आए हैं जिनका वज़न है 18 किलो और हाइट यानी कि कद भी है 18 इंच। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। हम बेटा रहने वाले तो है झांसी के, झांसी के तरफ से तो है हमारा घर का नाम सत्यनारायण पाठक। और जब से जो सन्नों में हरिद्वार का मेला लगा था तब हम नांगा हो गए थे, तो अपने बलिया जिला में रहता हूँ। उधर का नाम है हमारा गंगानंद गिरी जी, इवन नारायण नंद गिरी जी, हमारे गुरु जी का नाम है गंगानंद। क्या हमारा नाम तो तुमने सुन लिया ना, नारायण नंद गिरी गिरी जी, भावन भगवान सत्यनारायण पाठक। सत्यनारायण पाठक क्या, और रहने वाले हैं हम झांसी के, अब रहने लगे हैं अपने गुरु जी के पास। रहने वाले झांसी के हैं, अब अपने गुरु जी के पास रहते हैं। महाराज कहाँ कहाँ घूमते हैं आप? घूमने को तो हम बहुत जगह घूम लिया है, गंगा सागर हुआ है, वैष्णो देवी हुआ है, मैयर की शारदा हुआ है, मेहंदीपुर बालाजी हुआ है, मथुरा वृंदावन अयोध्या चित्रकूट क्या। मेहंदीपुर बालाजी चित्रकूट वृंदावन मथुरा गंगा सागर तमाम तीर्थ स्थानों पर महाराज होकर है, कैसे जाते हैं इस अवस्था में आप इतनी दूर 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 दूर? तुम ही हम मिलते गए उठाने जाने वाले, हर जगह घूम जाए। यहाँ पे तो हम अपने साथ में एक चेला लाए हैं सेवा के लिए, आते जाते रहते हैं, तो अपने खाड़ी कमंडे हैं, आते जाते रहते हैं। इस अवस्था में आप कब से हैं? क्या शुरू से ही इस अवस्था में? सिरमिल से हैं बेटा, सिरमिल से हैं, जो बनावट का काम नहीं है सब शुरू का है, शुरू से ही हैं। तो आपको कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती इस अवस्था में दूर दूर तीर्थ स्थानों में घूमने पर? उम्र पीड़ा, आपको दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती? संत हम बेटा एक बात है ना कि आपने तुम्हें बता रहे ना कि आप गुरु जी के पास रहते हैं, शुरू से है, वो कोई परेशानी नहीं है। अपने क्या परेशानी जो है सो भगवान को दिख रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा, वो हाई मानो तो जो कुछ है सो जो ही है, जो कुछ है यही है। महाराज कितना समय हो गया सन्यास लिए हुए? सन्यास लिए हुए कितना समय हो गया? सन्यासी हाँ। तुम्हें बता तो रहा है कि सन 9 में 2009 हाँ 2009 से संन्यास लिया है। और नागा कब से बने हैं? नागा सन्यासी? नागा 2009 से ही है, 2009 से नागा सन्यासी हैं। 18 इंच हाइट है, 18 किलो वजन है, बचपने से ही ऐसे हैं। और कुछ देश दुनिया, हमारी 55 साल की है, बचपन ही के हैं हमें, 55 साल उम्र है। और कुछ देशवासियों को संदेश कुंभ नगरी हरिद्वार से देना चाहेंगे कुछ संदेश? बस उतना ही है महाराज, बचपने से इस पीड़ा में हैं और बावजूद इस पीड़ा के अलग अलग धर्म स्थलों पर अलग अलग जूना अखाड़े जूना परिवार जगराना परिवार जूना अखाड़े में क्या पंचदश जूना पंचदश नाम जूना अखाड़ा पंचदश नाम जूना अखाड़ा के साधु हैं। 2009 में संन्यास लिया, बाकी सब आपने खुद ही महाराज के मुंह से सुन लिया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक सीख है कि कैसे इतनी पीड़ा में भी आनंद के साथ गंगा के तट पर महाराज बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, अपने चेलों के साथ यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी एक लोगों को, भारत के लोगों को संदेश इससे ये मिलता है कि जो लोग इतनी साधन संपन्नता के बाद भी सुखी नहीं हैं वो महाराज को देख सकते हैं और इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इनसे
प्रेरणा ले सकते हैं, इनसे इनकरेज हो सकते हैं? हम 5 भाई हैं, झांसी के रहने वाले। हमारे गुरु जी का नाम है गंगानंद, और गंगानंद के गुरु जी का नाम है आनंद गिरी, और आनंद गिरी जी के गुरु जी का नाम है हरिगिरी। महाराज ने अपने पूरी पीढ़ी की बता दी कौन से इनके गुरु जी हैं, गुरु जी के गुरु कौन से हैं, गुरु जी के गुरु कौन से हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए, और यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गौतम खट्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करा, शेयर करा।